इस वक्त हम नैनीताल जिले के श्यामखेत और रामगढ़ के बीच में मौजूद हैं और इसके पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत ही डरावनी वाली तस्वीरें हैं और चारों तरफ आग की लपटे ही लपटे हैं। आप इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार यहाँ का जो हालात है वो कितने खराब हालात है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको धुआं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, यहाँ पर सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही है। और अगर नीचे की तरफ भी हम दिखाएंगे तो चारों तरफ जो आग है वो पूरी तरीके से पूरे जंगल में फैल चुकी है और लगातार हवा के साथ ये जो आग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल रही है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार जो आग है वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लगातार वन विभाग और अन्य जो लोग है विभाग है वो लगातार आग को काबू करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो फॉरेस्ट के लोग हैं उनकी ये टीमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार बनी हुई है और लगातार इनके साथ जो अन्य टीमें हैं वो भी इस मौके पर पहुंच रही है। लेकिन आग जो दोनों तस्वीरें हैं ऊपर भी अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो काफी तेजी के साथ जो है वो आग आगे की ओर बढ़ रही है और कहीं ना कहीं एक ये चुनौती है वन विभाग के लिए और जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि लगातार कल भी जिस तरीके से सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आग को बुझाने का प्रयास किया गया था लेकिन कई स्थानों पर सफलता मिली, लेकिन कई स्थानों पर अभी सफलता नहीं हासिल हुई है। और इधर मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा इधर हमारे पीछे की तस्वीरें दिखा देंगे तो इस धुएं के आप गुबार से आप अंदाजा लगा सकते कि आखिरकार यहाँ के हालात कितने खराब हो चुके हैं। और चारों तरफ आपको अगर दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा, उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो यहाँ की वनस्पतियां हैं वो लगातार नष्ट होती जा रही है, जो पूरे जंगल है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए और सरकार के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि आखिरकार आग पर कब तक काबू पाया जाएगा। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आज तक के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में आग ने जो तांडव मचाया हुआ है वो काफी डरावना है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती अब साबित होने वाला है। राहुल सिंह, ग्राउंड जीरो से आज तक, नैनीताल।